करना चाहना बिस्मिल्लाह सूरह बनी इसराइल दे विच मन को दिला मज़लूमन फकत जालना ले वली ही सुल्तान सरकार दी शहादत उज़्मा जिन्हां दे याद दे विच इलाह नहीं परवरदिगार आलम ने भी इन्हां दा हरात दी कसम चाई वल बज वल याद तो इन्हां दे मकसद शहादत क्या बिस्मिल्लाह वजह यह मौजूद रखण दी कि एक साहिब नाल मेरी गुफ्तगू थी मैं महसूस किया कि आज दे मौलवी हजरात जेड़े हैं मुल्ला हजरात उन्होंने मकसद शहादत ये बयान कि सरकार ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो सिर्फ नमाज के रोजे की कुर्बानी का वाहिद मकसद नमाज से रोजे को बचावन हां एक नु इलावा भी या कोई मकसद ना बिस्मिल्लाह ए उन्होंने आज का जरा नवा सिद्धांत है उन्होंने ए उन्होंने तो मैं गुजारिश करे सा के क्या इतनी बड़ी कुर्बानी सिर्फ नमाज वास्ते एक अलहदा बात कि इन्हें नमाज से बचा कुरान की हिफाजत की मेराज की मंजिल से कुरान पढ़ के कुरान को बता दी सज्जे दे विच सर कुर्बान करके नमाज को हयात अब मगर इनका मकसद है मकसद ही शहादत का सिर्फ नमाज क्योंकि नमाज इतनी अहमियत रखती नहीं नमाज इतनी अहम है ही नहीं मसलन ये तो एक नमाज फरुआत दीन जितने हैं क्योंकि नमाज फरुआत फरुआत दीन जितने हैं इन्ना फरुआत दीन कनु इंसान की जिंदगी ज्यादा कीमती जुमला फरुआत दीन इंसान की जिंदगी ज्यादा मसलन ये पहले पहले हज हज के शरायत अगर इंसान साहेब इस्तेआत है बन सकता है जुमला शरायत पूरे लेकिन रस्ता पर खतरा है जिंदगी का खतरा है बिका क्या दिए खाके पे आए ना रोजा है जिंदगी का खतरा लाहेक तस्वीर लाक्ष मरीज है क्या हुक्म थी रोजे का जेड़े वेले जिंदगी नाल मुतसादिम थी थी फरू फरू राशि नहीं और एक आदमी है नमाज फरीजा पढ़ता पाए सुबह की नमाज है नमाज सुबह नीति इतना टाइम है कि दूर रकात पढ़ता है दूर अकात में अगर एक सेकंड का वक्फा करने दे सूरज बाहर निकला सी गदाफी होती सिर्फ इतना वक्त है नाल दरियाए दरिया के बीच एक बच्चा डुबता पे डुबता पे फिका को आखो नमाज को कायम रखे ये पता ही नहीं एक बच्चे के रोवण की आवाज आई दरिया च बुढ़ रहे अगर बचा सकते नमाज पढ़े नमाज बात ले पहले उनकी जिंदगी बचाओ जब नमाज की वैल्यू जिंदगी के नाल मुतसादिम होवन नाल खत्म हो गई क्या इन्हीं के खातिर इमाम में कायनात अपने सारे अतर कुर्बान कर क्यों हार्ट हार्ट ये तो मकसद है सरकार की शहादत के मकसद को फौत करने की खातिर इन्होंने स्टैंड खड़ा किया ये बजाय कि नमाज का हुक्म फरमाए ने खुद नमाज पढ़ी है ये किवें थी सकते कोई नौजवान हो जी शहजादे अली अकबर दी
ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾ جملہ فروخت انسان واسطے بنے انسان فروخت نہیں بنے جیسے پاکستان کا قانون ہے قانون انسان واسطے بنے انسان قانون واسطے نہیں بنے ہمیشہ جملہ فروخت جتھا بھی انسان دے نال متصادم چیزیں فروخت باطل انسان دا وجود قائم اور جتھا انسان اصول دے نال متصادم کیتی اتھا انسان باطل اصول قائم اور امامت داخل اصول ہے نہ جتھا امامت نال انسان متصادم تھی واجب القتل ہوتی زندگی دی قیمت ختم تھی جتھا نماز انسان نال متصادم تھی نماز دی زندگی ختم تھی تو اصول جیڑا ہے وہ ترائے درجے بلند ایدے کن مقصد شہادت اے نہیں جکوں علماء نے بنا دیتا اتنا عظیم واقعہ آدم تو گھن کے سہن شاہ انبیاء تک سارے بیان فرمے دے گئے یہ چھوٹا جہا واقعہ یہ مقصد صرف یہ نماز بچاونا اگر بھائی الفایا اور باقی حضرات اگر سرکار نے یہ نماز کو بچاونا تو بات وقت میں تھوڑی سی تاخیر یا وقت میں تاخیر تھی کیوں کہ نماز تو میرے سے لڑ گئی ہم زیادہ ممبر سے پائے گئے نماز تو ہلیا بتیج گیا ہاتھ بتیج گئے جی آسام سے جڑے ہلیا بگڑ گیا یہ ساری چیزاں بگڑ دیا رہ گئی امیر کائنات خاموشی نہ دیکھ رہے اگر نماز بچاونا ہے تو ہوں میرے بچاو جڑے ویلے تراوی با جماعت پڑی جا رہی ادانے بدل گئی سب کچھ بدل دیا ان کے باپ اجو خاموشی نہ دیکھ رہے جدید کے ملون کے دور تک اگر نماز کی خاطر جنگ کی تو کرنی چاہیے امیر کائنات کو زمانے دیکھ چاہیے مگر وہ خاموش رہے جی شہنشاہ کربلا تو زمانے تک او نماز جی سلا سے پڑھی ہے موجود ہے نماز سلا سے پڑھی جدید کو پڑھتا جہاں چیزاں وہ عطا کریں گے کرے دے کو بچاو اگر یہ نماز بچاونی ہے تو واسطے میں حاکم بتا اگر نماز بچاونی ہے تو بیعت کو بہتر طریقہ بھی ہے کوئی ان کو آخری میں چاہیے میں ہر گھر بنے تو صرف نماز روزے تک پابند تھی بن سارے طریقے سے بالا چلتا آئی ہو جی تو مقصد شہادت کیا ہی ہو نماز بچاونا یہ روزہ بچاونا یہ اتنا بڑی قربانی صرف ہی کم کرنے کی کوشش میں بڑی بڑی تیزی نال چل رہی ہے میں آج وعدہ کر رہا ہوں میں بالکل مختصر پڑھتا ہوں نماز مقصد شہادت یہ ذرا واقعی اہمیت کو تم سامنے کر کے بیان کرا کہ کربلا دے واقعہ تسا جڑا ہے وہ مظلومیت کا پہلو تو رکھ ہے کدی جبروتیت کے پہلو تو کئی نقاب ہوتا یہ جبروتیت کا جڑا پہلو ہے وہ کیا لیکن واقعہ انہیں عام نہیں بڑی تنظیم کے نام بڑے منظم طریقے نام جناب آدم آخر یہ واقعہ تھا حتیٰ کہ جملہ انبیاء نے کاف آیا ہے ذکر رحمت رب کاف بہو زکریہ یہ جناب زکریہ کے سامنے کربلا دے واقعات کے آدم کاش میں نے جوان پتر ہو گیا میں ہی خدا قربان کر
मैं महसूस कर रहा कि उन दिल के विच कितना दर्द हो सी जब अकबर जी मैं भी नहीं दर्द को महसूस परवरदिगार आलम ने कहा हसीन जवान हम याद विच बाकी कहीं का पुत्र नाम सुभान अल्लाह क्योंकि जनाब अकबर का सदका जो तलब किया हमेशा हो और इतने मुतदयन कि इन्हों के सामने जिक्र कयामत और जहन्नम का जिक्र करना जनाब जकरिया बंद कर बहु हसा मैं उनके पास वाक्य नहीं बयान करना चाहता यह सिलसिला रमा रहा जेड़े वेले सरकार मदीना चो कदम कदम तो तुसा देखो हर शख्स है सरकार के पास जा रहे हो हालात पर मैंने तो मैं हालात देख के जा रहे बात नानी हट कहने मैं पुखा के कर बला तेरा नाना दे के किया न टूरो पर मैंने बहू उन्होंने तो फरमाया जरूर बजूंगी मन्ना बाने कदम कदम तो तेरे को मक्का छोड़ने जाबे मोहम्मद हनफी आ रहा है जनाबे अब्दुल्ला रोके हत्ता के जिस वक्त के मंजिल तकीम से पहुंचे ऊं वेले आके फरज तो शायर ने रोके जी कदम कदम से रोकया जा रहा है असहाब रोक रहे हैं साफ सुथरा मैं सब कुछ हो रहे दे दे पैन उसके बावजूद क्या दिन मेरा मकसद अपने आवास में रोके कहे नहीं रोके जेड़ा मिले सारे रोके कूफे ना जाओ पर मैंने कूफे बजन का मकसद ही मेरा मकसद ही कनू अजीम ये वाकियात उनके बाद जेड़े वेले सिलसिला करबला से नौबत पहुंची बल करबला वाकई को मुनजम थी चलता देखो उन अमीर कायनात के दो पुत्र इमाम मजलूम और इमाम मसमूम इमाम मसमूम दा दस्तार दा वारिस वो भी हयात इमाम मजलूम दी दस्तार दा वारिस हमेशा सलामत ये जीवे जीवे तरतीब जितनी कुर्बानियां उन्होंने दिया उतनी कुर्बानियां उन्होंने दिया बराबर जा रही हैं एक आलम को मुलाकात थी एक जिन देना सामने मैं अर्ज करा कि जाफिर का नाम सुने जाफिर इराक के बिच रहा और इधर एक सच्चा बिराज है ना नाज वो शाम के बिच रहा इस जाफिर का पोतरा है फत वो अजा तक जिंदा है एक आलम को मिले एक नु पूछे तू जाफिर दे क्या लगता है वो कि मैं पोत रहा अच्छा वो अगर जाफिर जिंदा है और वो आदे रो रोते हो गुट काफी देर रोमन के बाद पूछे कैसे तू वो नहीं रखेगा ए ना था कर बला दे वाकियात के दर्द है तय को पता हुआ कि मैं हूं बोले एन जवान वाकया से कर बला जदर है हूं बोले मेरी उठ दी जवानी है आलम पूछते मैं को वाकया से कर बला सुना ये जो सारा वाक्य सुन रहे हैं दामी दे भी कुछ जाफिर आया ये सारे वाकया तो वो आदे वो काफी देर रोंदे है घूमर के बाद आदे कि करबला के वाकियात असा कौमे जिन्नात जेड़े हैं असा मदीने को ना ला असा मदीने को सरकार दे नाल हर कदम से अर्ज करें दे असे आका हुण ए नवा वाकिया थी के साकू इजाजत दे पर मैंने अन्ना ही जरा जरूरत महसूस थी थी इंदाज तलब करे सा ये आदत जी सिलसिला जारी रहा जेड़े वेले ये आदत के चहन चाहे कर बला ने दीन छोड़िए वो आदत ऊं वेले कर बला दे मैदान दे विच अंबिया दे अरवाह मौजूद
और इतने मलकूत हन के आसमान को गिन के जमीन तक मलकूत और अंबिया के नाल इस जमीन को आसमान का दरमियान हिस्सा भरिया निजाम तुर है। ये आते असा जे वे इमाम मजलूम गुरबत होका दिता है। यह आते मैं बड़ी कोशिश की थी कि इन सबा को अबूर करके अगर बनिया अंबिया और मलकूत को अबूर करके मैं नहीं जा सकया। जेड़े वेले मैं बन के रुकिया एक मकाम से अगर बनने की कोई गुंजाइश ना आई उंगले मैं दिखा मेरा दादा जाफिर मेरे नाल है। मैं घर के सरकार के नाल अपना दादे जाफिर को आके और अर्ज करो सरकार से तो जाफिर मेरे को प्या है कि देखो पता है कि सैमान मजलूम खड़े उस ठीक 13 मील से खड़े जितना इमाम मजलूम तशरीफ फरमा है उतू ठीक 13 मील से खड़े दी चाह ही कोई 13 मील दे रही है गुंजाइश नहीं अगर जिन्ना खुदा कर मलकूत तो हम याद है अजूम असने 13 मील तो करके अर्ज किया आका इजाजत दे असा तो इमदाद करू पर मैंने इमदाद की जरूरत आपको कैसे इमदाद की जरूरत नहीं याद हुक्म दे नुसरत वास्ते तलवार उठाऊ मलकूत बना रहते 70,000 मलकूत सरकार के रोजे के तवाफ में मसरूफ है। हथ बन के आज कर आका साहब को इजाजत रहो पर मैंने आज मैं कैसे दे इमदाद की जरूरत डायरेक्ट बात इो वक्त हा ये बेनियादी का आलम हा ये मंजर है चार पासे देखो अंबिया दे हजूम मलकूत दे हजूम जिन्नात दे ठट लगे हुए जमीन को आसमान तक देखण वाले बनते हुए टिब्बे से तनहा इशारा करके जरूरत नहीं चौथे मैं एक हो चुके हैं सात मित्र फौजा को अबूर करें दी हुई छोटी जी मान मजलूम नहीं समझे बाबे मेरी सुनी नहीं मैं पासू फिर के करीब है बाबा मेरा सलाम इमाम मजलूम खामोश बल मैं पासू बाबा बाबा मेरा सलाम मगर खामोश इन उम्मत बाबे तो कार रोवन से हो हंसी करियन बंसला आए अर्थ बंसला पैदा थे आवाज एक चुतरा पाई है हुसैन बात बचड़ी आई है अला साल क्यों ना लेंदा इतनी बेनियादी बेनियाद तो मेरी साथ इतनी बेनियादी थी आवाज आई है ना बदलू में करबला पाक बचड़ी आई है पर मतलब केड़ी बचड़ी आवाज आती है इमाम मजलूम हुसैन मासूम आधी आई पर मतलब केड़ी मासूम समझो केड़ी मासूम कौन मासूम आवाज एक कुदरा कान दिए हुसैन नहीं थी पर मैंने केड़ा हुसैन मैं तेरी दाल के पास इश्तियाक के नाल भर रहा पूरी कायनात तो बेनियाज तो लगाए कम तुल अयान लगाए अरा का मैं अपने दिया को यतीम करके तेरी भी मैं कुछ अपने
औलाद की यतीमी का एहसास तक आवाज कुदरत आंदी मेरा हुसैन आज क्या चाहते पर मैदन आज तक 1,24,000 अंबिया को कहन के हर नबी तेरा महबूब बनना पसंद किया है तेरा आशे कहीं नहीं सरवाया महबूब बनना तेरा पसंद किया है तेरा आशे कहीं नहीं सरवाया वो अपनी बेबिदाती के नाल नाज बरदारियां करे ने हम तू अला कुल्ले शायन कदीर होके उन्हें नाज उठेंदा हवे आज तू अला कुल्ले शायन कदीर होके नाज बरदारियां करा हुसैन बने सी आवाज अंदी मोहब्बत एवज क्या चाहता है पर मैंने तेरी मुलाकात आना मेरे नाल मुलाकात ये सही फतुल अबरार अल्लामा माम कानी की मकाल में को लिखे ये आना मेरे नाल मुलाकात कर आवाज कुदरत आंदी है आखे तो तेको अल के सदा दिन अगू इदरीस ना ईसा ना आवाज अगे मेरी मोहब्बत को नीलाम न कर समझो मेरी नीलाम न कर आवाज अभी आवाज कुदरत आंदी है मैं आखे तो इतना कि आखे तो अर्श से उठा दिन ना कहीं इधर तो मेरी मोहब्बत को नीलाम कर अर्श से सदवाना चाहता है आओ साहब क्या चाहते हैं अगर आ सकते तो मैं मेरी छाई आ क्यों सालिक तेरा सब तू बड़ा महबूब कौन है मजलूम तेरा नाना पर मैं वट कानून तो आप पढ़ाई के महबूब टूर के आंदा रहा दे आशिक दो आज तू महबूब है मैं आशे का लांगा कानून तो आप पढ़ाई क्या मेरा नाना तो आदो भी आज तू आ मेरी गाल समझ आ रही आज तू आवाज कुदरत आती है मैं हर कुछ सजाए उनके अनवार से परते परदाए वादते जाते सुराते काते अर्शन सतून अर्शन हिजाब आते नूरन आज अनवार के कालीन बिछे हुए मैं अर्श को बड़ा सजाया हुए आ जा अर्श आओ पर मैंने जडन कर बला दी जमीन से भी जरा एक निगाह सा फरमा में रखा एक नाज है अपने अर्श से मैं कुछ नाज है फर्श से अपना अर्श मैं छोड़ सकता मैं तुम्हें फर्श ही नहीं छोड़ू मवाजना कीता कर बला मोहल्ला से अर्श मोहल्ला था हर भारी चीज का पासा झुक दे जरा तकड़ी के रख के साहबा ने कदा नहीं कुछ तो लिया मेरा अर्श आसमान से जा लगा हाँ मेरा कर बला घट नहीं मैं तो बड़ा सजाया हुए कालीना बिछिया हुई है मेरा खाले कालीना की बात करे ने उतना तय अर्श कालीना लाई हुई है मगर एक जमीन से तो देख बनी हासिम दे खून दसो अगर तू हिजाब आते बात अपनी बात करे तो मैंने 10 घंटे लिया बहनी थी मेहमान Thank you.